आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बिजनेस में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ IIT JAM 2020 के एडमिट कार्ड आ गए हैं तो उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप उन एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उन पासवर्ड को के बिना पासवर्ड के वीडियो को कैसे डाउनलोड करें, मतलब अगर पासवर्ड आपको नहीं आता है तो किस प्रकार से आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा वीडियो की तरफ चलता हूँ। गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। आपको सर्च करना है तो उसके बाद आपको सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है वैसे ही आइकन पे आपको जाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद एडमिट कार्ड में आप आएंगे, यहाँ पे जाने के बाद एक पोर्शन एडमिट कार्ड का पोर्शन होगा, उस पोर्शन में आएंगे और वहाँ पे IIT JAM 2020 एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे आप। और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और देख नीचे दिखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक्स में डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी डालनी है। इनरोलमेंट आईडी आपके एडमिट कार्ड सॉरी आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रिंट निकलता है उसमें पड़ी होगी तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होता है जो 8 लेटर का होता है, मतलब उसमें लेटर भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं और टाइप के होते हैं। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आप और पासवर्ड आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे 9-2, यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट दबा देंगे और आपका एडमिट कार्ड पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपका अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं या आईडी भूल गए हैं, फॉरगेट इनरोलमेंट नंबर या पासवर्ड, तो आपको क्या करना है तो उसके बारे में बताने आना। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि IIT JAM का जो एग्ज़ाम है वो CBT बेस है और अगर आप पहली बार देखने जा रहे हैं तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई जो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होगी। तो प्लीज़ उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में इन स्क्रीन पे मिल जाएगा, ज़रूर उस वीडियो को देखें। बात करते हैं कि आपका अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट उस पे जाना है रिक्वेस्टेड फॉर एन OTP। तो यहाँ पे जाने के बाद आप मैं क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे कि आपको पूरा प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे जाने के बाद फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मोबाइल नंबर भरना है जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा था। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे पे इनरोलमेंट नंबर या ईमेल आईडी डालनी है जो उस टाइम आपने सेंड एंड पीपी करना है। तो आपको यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया इसलिए ये दिखा रहा है। तो यहाँ OTP करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP पहुँच जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे बताए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बैग जाते हुए आपको फिर
जो आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑलरेडी हैव एन ओटीपी। तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी आपको डालनी है और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जो आई है आपके मोबाइल पे वो यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद न्यू पासवर्ड जो भी आप न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बनाएंगे, और उसके बाद उसको कंफर्म यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, वही पासवर्ड मतलब दोबारा डालेंगे। उसके बाद सेव एंड न्यू पासवर्ड, सेव एंड न्यू पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको बैक जाना है, ये इतना प्रोसेस करने के बाद बैक जाएंगे आप, तो आपका वो पासवर्ड सेव हो जाएगा। और अगर आप इनरोलमेंट नंबर आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे अगर, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको सेंड इनरोलमेंट नंबर वो आपको आईडी और जीमेल पे या ईमेल पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको करना है, तो फिर उसके बाद आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो इसी पासवर्ड को आप डाल के यहाँ पे इनरोलमेंट डाल के या ईमेल आईडी डाल के, और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालकर आप अपना एडमिट कार्ड को कैप्चा भर के एडमिट कार्ड को इस सबमिट पे दबा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिजिक्स विद अस को।